अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की कराची कैंपस में गुज़िश्ता रोज़ फैशन डिज़ाइन के 4 साल का कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा व तलबात का जो फैशन के हवाले से फ़ाइनल सिलेबस था उस पर उन्होंने जो काम किया उस हवाले से एक एग्ज़िबिशन हुई जिसमें तलबा व तलबात ने मुख्तलिफ फनपारे तैयार किए जिसमें मेहमानों ने गहरी दिलचस्पी ली। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का तो नाम पूरा पाकिस्तान जानता है और वो अपने काम के हवाले से एक मुनफरिद मकाम रखता है, लेकिन कराची में जो ये काम कर रहे हैं इस हवाले से लोगों की आगाही कम है। तो इसी हवाले से ये नुमाइश का अहतमाम किया गया जिसमें आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के टीचर्स ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की और नुमाइश का अफ्तिताह किया और तलबा व तलबात के बनाए हुए फनपारों को देखा जिसमें हर तरह के फनपारे शामिल थे। जदीद और माजी के फैशन को देखते हुए तलबा व तलबात ने मुख्तलिफ चीज़ें तैयार की और आने वाले दौर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल हो सकता है इसमें वो भी जो है इसमें इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए तलबा व तलबात ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता सालों में जो सीखा है उसको इस्तेमाल करते हुए ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट कह लें डिज़ाइन कह लें उनको तैयार किया है और इस पर वो चाहते हैं कि उनकी सालियतों को तस्लीम किया जाए। और इनमें से उस्ताजा का कहना ये था कि इनमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जॉब भी मिल गई है। आप देख रहे थे पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के तलबा व तलबात की इस वीडियो के बारे में बताएं कि आपको उनका काम कैसा लगा और मज़ीद इसमें क्या बेहतरी हो सकती थी। आप वीडियो के वाले भी बताइएगा क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। आप वीडियो देखते हैं, आप ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में क्या मज़ीद हो सकता था। देखते रहें पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।